गुफ्तगू अच्छी लगी, जौके नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई जानवर अच्छा लगा। ऊंट तो सारे का सारा बांट बैठा हूं, मगर बकरे को करना फ्रीजर की नजर अच्छा लगा। फूड पॉइजनिंग से बचना है बेहद जरूरी, इसलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती हैं कुसुम के कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक, कमाल हुआ भाई ये तो। ईद आज तो मजे है जिंदगी, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो आप ही कह रहे हैं। देखो आप बूझ गए हैं तो मैं क्या कहूँ। इस ईद पे बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, आज पहली बार आते भाभी ने कुटिया नहीं, ईद पे रो रहे बैठे। मैं क्यों रो रहे हो? कहते ना आज मेरे ससुर जिंदा होते तो मुझे भी कोई ईद देता। तब मैं आपकी इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेहमान बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप खत्म करें और मैं शुरू करूँ। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के खास मेहमानों को। ईद पे फिल्म रिलीज हुई है कायदे आजम जिंदाबाद और उसकी कास्ट और क्रू ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म की प्रोड्यूसर जनाब नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा। के बाद इस फिल्म के लीड एक्टर्स हमारे सुपरस्टार्स और आप सबके पसंदीदा माहिरा खान और फहद मुस्तफा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह शेर लाया मिसरा आपकी फिल्म के मुताबिक। ईद का दिन है गले सबको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले सबको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, भी है। जिंदा दिल कौम की खातिर ये हमारे साथी लाए हैं फिल्म के फीते में सजा कर नारा नारा। आइए मिलके लगाते हैं ये जिंदा नारा। नारा है फिल्म का टाइटल को हो सारे मिलकर कायदे आजम जिंदाबाद, रहनुमाए पाकिस्तान कायदे आजम जिंदाबाद। जी लेखन विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए, उन्हें मेरी एक ना मनी, हाथ मेरे भी जोड़े रह गए, हुण ते आके मिल जा सजना, ईद च दिन भी थोड़े रह गए। तेरा दिया हुआ जख्म वो अपने लबों से सीता है, एक मोटरसाइकिल बनती है। तेरा दिया हुआ जख्म वो अपने लबों से सीता है, उसे जाके बताना कोई उसके बगैर कैसे जीता है। बेवफा अगर छोड़ना था कोई और बहाना बनाती, सिगरेट तो तुम्हारा अब्बा भी पीता है। जी क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप देख रहे हैं आज माशाल्लाह कितने तैयार हुए हैं, सबने अपने मायरा खान वाले कुर्ते निकाले हैं। बाकियों का पता नहीं, हमारे डायरेक्टर ने जरूर निकाला। वैसे डायरेक्टर ने क्या मैचिंग की हुई, आपको नहीं दिया क्या? नहीं सर, मुझे आज इन्होंने चाय पे रखा हुआ है, मैं चाय लेके। दिल वाले बर्गर डायरेक्टर है ना मसन के, अपनी फिल्म दूसरी मरतब वो क्या कहते, ये मेरी किसी ने कॉपी की है। कितने साल पहले आपको ख्याल आया था ये हमने शुरू की थी फिल्म 2019 में, 2020 में इसकी शूटिंग खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी बिल्कुल, और उसके बाद से आप 2 साल इसको एडिट ही करते रहे। बिल्कुल सब एडिट कर दिया, लेकिन अपना शॉट एडिट नहीं किया इसने फिल्म। अच्छा ये भी, हाँ हम जानना चाहते हैं कि आपका इस फिल्म में क्या हमें जौहर देखने को मिलेगा? आपको मेरा जलवा जौहर सब देखने। जलवा जौहर, आपने बड़े लोगों ने ये शिकायत भी की कि आप खुद नजर नहीं आए हैं ट्रेलर के अंदर, आपने अपना शॉट नहीं डाला वो जो आप डालते हैं। मैं ट्रेलर में नहीं डालता, मैं चाहता हूँ लोग ताकि मेरे लिए सिनेमा आए। अजीब, किसी ने भी सोचा था जब आप बना रहे होंगे यू गाइस वर रेडी फॉर 2020 और उसके बाद जो हुई हमारे साथ पूरी दुनिया के साथ ही हो गई पहली, तो कैसा लगा इतना अरसा इंतजार करना? बहुत मुश्किल था, बिकॉज एक्साइटमेंट होती है फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा, और जिस तरह की ये कहानी थी तो हम सुनाना चाह रहे थे। बट मैं कहूँगा फॉर्चुनेट बात यह है, हमारे मुल्क में चीज़ें बदलती नहीं हैं, तो ये फिल्म आज तक रेलिवेंट है।
जो हमने 3 साल पहले भी सोची। ये भी एक कमाल है। फिजा ये बताएं, पहली बार आइडिया ये आपके पास लेकर आया था या आपको आया था ये? नहीं, नबील केम विद अ लाइन, एक थॉट लेके आया था, फिर हमने इस पे। अच्छा, और नबील के बारे में एक मैंने कई जगहों पे पढ़ा है, ये काम फहम ख्याल ये भी आता है कि ये सब वो चीजें जो फिल्मों में कराते हैं अपने हीरो से वो है जो कि खुद करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही सुना है, ये सही सुना हमने कि सही है कि सबसे पहले खुद को। फहद इस पे ज्यादा अच्छा कमेंट। नहीं, वो तो खैर आखिर में देखे, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। जो पहला थॉट होता है कि नबील आपने खुद को सोचा कि मैं यूनिफॉर्म में ऐसा लगूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ असल में नबील ने कभी यूनिफॉर्म पहने नहीं, वो स्कूल भी नहीं गया। मगर ये उसके बाद आपके पास ख्याल लेकर आए और आपने कहा कि ये बेहतर ख्याल है और इवेंचुअली उसमें फहद मुस्तफा ही बेहतर लगेगा। जी बिल्कुल। मगर इस बार जो एक चीज मुख्तलिफ आपके साथ हुई है, आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ फिल्म विद फहद, ये तो चले खैर रवायत है आपकी, माशाल्लाह आप लोग इसको बरकरार रखते हैं, यू गाइस हैव अ टीम और केमिस्ट्री मिल चुकी, ये एक नया एडिशन हुआ है जो कि बड़े अरसे बाद मुझे पता चला है। तो माहिरा, आपको इस बार क्या ऐसा ख्याल आया कि बावजूद इसके कि इनके नाम में कोई आसिम, मोमिना और सरमद नहीं आता, आपने इनके साथ कैसे काम कर लिया? ये देखिए, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए। मेरे ख्याल ये फिल्म इन्होंने कायदे आजम की खातिर की। ये कायदे आजम की खातिर फिल्म की। मेरा भी यही ख्याल था कि उन्होंने फिल्म कायदे आजम की वजह से की। नहीं, कायदे आजम की वजह से होती तो बहुत पहले कर चुकी थी, मगर इस बार क्या था ऐसा, मुझे बताइए, व्हाट मेड द डिफरेंस दिस टाइम? ओह गॉड, well the timing, the timing, the need of the time. आपने कहा कि दुनिया में कोरोना आ गया है तो अब वक्त आ गया है कि मैं काम कर लूं। नहीं, कोरोना उस वक्त आया नहीं, उस वक्त आया नहीं था, लेकिन मुझे ये मेरी छोटी सिस कह रही थी। हाँ, मेरी एक सिक्स सेंस कह रही थी कि ये कर लो। अच्छा, ये वाली पे सिक्स सेंस ने कहा? हाँ, इससे पहले वाली पे नहीं वो बोला था, क्योंकि मुझे पता है, हमने पढ़ा काफी दफा के वासे, क्योंकि मैं तो ये सारी वो बातें हैं जो कि पब्लिक के सामने हैं कि आपने पहले कहीं कहा भी था कि एक बार आप पहले भी गए थे फिल्म का लेके तो उन्होंने नहीं की थी, और ये मुझे पता है कि ये भी अक्सर जिक्र कर चुके हुए हैं कि आप काम ही नहीं करती थी इनके साथ, तो इस बार आपने काम, ये मैंने तुमसे जिक्र किया था, ये यहाँ बोलने के लिए। अच्छा, मैं करती हूँ क्योंकि जब मैंने हाँ कर दी इन लोगों को, हाँ, तो फिर आई थिंक आप भी थे वहां, नदीम ये लोग मेरे पास है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ तुमने यू ब्रोकन द, हमने कहा जैसे ही ड्रेनेज खुला है तो फिर हम वैसे कैसा लगा आपको, क्योंकि आपने कहा कि आपने मेरे से बात की थी, आप मैंने भी आपसे बहुत सी बातें की थी जो आप इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, उसके बाद मुझे लोग मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस भेज रहे हैं कि आपने फहद को क्यों कहा, तो आप बताइए कि सर आपको कैसा महसूस हुआ पहली बार उनके साथ, आपने इससे पहले कोई एड बैड किया हुआ था? हमने कोई ऐड भी नहीं किया, कभी मौका ही नहीं मिला आपको ना? नहीं ना, वो मसला ये था कि पता नहीं क्या लोग, मुझे लगता है घबरा जाते थे कि ये दोनों को इकट्ठा कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फाइनली नबील ने जो है ये काम किया, और फिजा, एक्चुअली फिजा ने किया होगा ये काम, नबील तो बात ही नहीं कर पाता। तो ये मान गई, और मुझे लास्ट मिनट तक इन लोगों ने कहा दिस इज अ सरप्राइज, दिस इज अ सरप्राइज। मैंने कहा वैसा क्या सरप्राइज होगा, क्या होगा, मेरे जहर में तो होगी मायरा खान ही, फवाद खान तो होने से रहा मेरे साथ, मतलब और फाइनली फिर हो गया, तो मैं बड़ा, तो फिर आपको ये पहले दिन सेट पे मिली तो आपको यकीन आया इनको, मैंने चोटी काटी खुद को कोशिश की, तो फिर मेरी टीम ने कहा जाग जाएं पापा ये सही है, बता दे अकरम भाई ने कहा तो टक्कर मार देंगे गेंद लाने के लिए, अकरम भाई नहीं आप कुछ नहीं, अब हमने ऐसा पाया कि अब ये हम हमारे साथ ही करेंगे काम। अभी पता चल जाता है, मैडम जी ये बताएं कि शाहरुख खान अच्छे एक्टर हैं या फहद भाई? चलो तू अच्छा है भाई। मगर आपको मजा आया इन लोगों के साथ काम करके? बहुत मजा आया। सही काम करते हैं ये लोग? मुझे रीकन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। मेरा आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप ऐसे रोल्स करना चाहती हैं दैट एक्चुअली फीड योर सोल, तो मैं पूछना चाह रही हूँ अभी कौन से ऐसे रोल्स हैं जिनकी आप तलाश में हैं जो आपको अभी तक नहीं मिले, और आगे आपका डायरेक्शन में जाने का कोई प्लान है? फीड योर सोल वाले रोल ये कौन से हैं जी? या डायरेक्शन? रोल बट आई जस्ट फील के हाँ, मुझे लगता है कि सेट पे जब इंसान जाए तो एक वो होनी चाहिए कि यार आई एम प्लेइंग दिस और आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, यू नो आई डोंट हैव अ सर्टन
idea of what I want to do. तो इस फिल्म के अंदर आपका soul feed हुआ? Yes, a little bit. इसमें हो गया हुआ. लेकिन महाराज जी ने मेरा भी दिल तोड़ा बस से मेरे हैं. बड़ा परेशान हूँ. क्या? जब से उन्होंने comment नहीं किया वो I am taken तो बस बड़ा मसला बन गया मेरी ज़िंदगी में. मैं fan हूँ इनका तो पता नहीं. क्या कहा था इन्होंने? वो पता नहीं I am taken क्या लिखा था? I am taken आपको ये याद है comment? मुझे ही तो याद है. क्या था वो? क्यों लिखा था आपने? ऐसे तो नहीं ना करते. क्यों ऐसे नहीं करते? लेकिन बता दें कोई है तो मैं फिर खाला दी कुड़ी ना कर ला रिश्ता. वो है ना वो थोड़ा सा अगर है तो सच बता दें ताकि मैं इजी हो जाऊं फिर. आप इजी हो जाएं. आपने तो इजी किया था उन्होंने भी कर दिया. मैं आपको कास्ट करूंगी मायरा के साथ. टेकन थ्री भी लिख लेंगी कोई इशू नहीं. अच्छा तो वैसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि सबके आइडियल तो आप है ना महाराज जी या फाद भाई हैं तो जी जी. आपका भी जो आइडियल है जो आपने टेकन लिखा है जो भी है तो वो कैसे हैं थोड़ा सा पता प्यारे हैं क्या आपके टेकन कैसे हैं? उसका ये मतलब है पूछने का. आई थिंक अबाउट डायरेक्टिंग. घर से निकला तो मुलाकात हुई पानी से. पाँव फिसला मेरा मेरी हिना दानी से. बकरा मंडी में गया था मैं बड़े जोश के साथ. रेट सुनकर मैं गिरा जेब की वीरानी से. वो भी क्या दिन थे के कम पैसे बहुत होते थे. अब तो बेचैनी है पैसे की फरावानी से. हाय हाय आ. वेलकम बैक फहद साहब. इसके अंदर जो आप लोगों ने डांस किया ये आप लोगों ने कहां से निकाला? मतलब क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप लोगों ने कभी ऐसा पहले नहीं किया? मतलब हम लोगों ने साथ पहले काम किया कब? सेपरेटली जब आपने काम किया इस किस्म का नहीं करते हुए देखा तो क्या आप लोग दिल से नाचे हैं? तो ये क्या राइट गाने का इंतजार कर रहे थे या राइट मोमेंट का इंतजार कर रहे थे आप? एक दूसरे का इंतजार. एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे. बड़ा वैसे ये कमाल था. और ये निगाह हुसैन साहब ने आई थिंक किया है. देखिए निगाह माशाल्लाह हर जगह कर रहा होता है लेकिन हमारे साथ जो किया उन्होंने बिल्कुल नहीं. निगाह जी नहीं आपने तो पहले बहुत दफा निगाह जी के साथ किया हुआ काम. मगर निगाह उस्तादों में से हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स का क्या पोटेंशियल है. हाँ. उस हिसाब से उनको किस तरह यूज करना. निगाह इज आई थिंक द बेस्ट जो कि इसका. नहीं मगर आप लोगों ने कमाल उसके अंदर कर छोड़ा. मैं तो हैरान रह गया था. थैंक यू. मतलब माहिरा जी ने तंग तो नहीं किया डांस में? बेस्ट रहा उनका भी. तो बताइए जी माहिरा जी ने तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं माहिरा जी ने बिल्कुल तंग नहीं किया और मुझे बहुत मजा आया इनके साथ. फादर सिंगिंग कब करेंगे? क्योंकि आप गाते भी बड़ा अच्छा है. बहुत अच्छा गाते. बहुत अच्छा गाते मुझे पता है. जब आप जैसे और आपके भाई जैसे सिंगर मौजूद है तो हम क्या गाएं? कुछ आपको जो पसंद हो. मुझे तो पता है मगर लोगों को. धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के. क्या बात. घूंघट भी बना लो रोशनी से नूर के. शर्मा गई तो आगोश में लो. सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें. बोल हल्के हल्के. बोल हल्के हल्के. होंठ से हल्के हल्के. बोल हल्के. वाह 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 वाह. मैंने क्यों आज ना बोल दा? क्या मैंने कहते ना नेक्स्ट मूवी दे विच हम तुमसे म्यूजिक भी लेंगे लिरिक्स भी लेंगे. अच्छा. मैं डेमो भी बना लिया. ओके. उठे मैंने चाह पे आके तो मैंने कहते ना यू हैव टू गो नाउ. ओके. मैं नहीं ना बोल दा. मतलब क्यों? धोखा किया इन्होंने मेरे नाल. देखो इन्होंने मेरी पेमेंट भी तय हो गई थी 377 रुपये. बच्चे ने मैंने कहा नहीं हम तो असरार करके तो एक बंदे और को ले आए हैं. असरार करके नहीं असरार को ले आए. असरार बंदे को गीत गुआ ले. असरार को नहीं और इन्होंने क्यों गुआ इन्होंने गाने जो मेरे नाल इन्हें जी एग्रीमेंट हो गया सी. इस वास्ते पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री चूरकी नहीं कर रही. अच्छा. यस प्रोमिस करके तो किसी न इस धोखा देना अच्छी गल. चलो अगली बार कर लेंगे. मैं ते तुहाडी फिल्म दा म्यूजिक मुफ्त देना सी. अच्छा. बिकॉज़ मेरी मामा नु ना मायरा खान बड़ी पसंद. अच्छा. ये एसएससी एलए यूनिवर्सिटी जो मैं पढ़े सा. क्या एक मिनट दोबारा बोलना. एलए यूनिवर्सिटी मेरी क्लास फेलो सा ना. आपकी क्लास फेलो? हां मैं भी उठे दही पल्ले भेजदा सा. अच्छा.
उस जमाने च मेरी मामा ने इन्हां दे नाल मेरी सेल्फी देखी है। अच्छा। मेरी मामा कहिंदी इससे प्यारी लड़की तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। ओहो। हाँ अज भी मेरे नाल हाँ कर लैन ते जेज दा ते खर्चा है ही नहीं। क्यों? अजी सानू चार मोटरसाइकिल एक कार ते दो वाकरां दे दे। माशी साहब में कह रहे ने दो मोटरसाइकिल एक स्लाइम मशीन ले और घर चला जा। कह कह के इतनी नजर लगा दी उन्होंने, महंगाई इतनी बढ़ गई है अब मुझे सिर्फ धागा देना पड़ेगा। न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। अच्छा, उनको न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। मेनू में आपको ये भी पता है देखो कितनी चीजें सारियां आपस में मैच हो रही हैं। बहुत मैच हो रही हैं। या हो सकता है सितारे भी मैच हो जाए, हो सकता है डेट भी मैच हो जावे। जिस डेट से ब्याह होने, कुड यू प्लीज कॉल माई मॉम। आई शुड कॉल योर मॉम? Yes, please. Mama khosh ho jayegi. Could you please? Yes. Mama is waiting for you. I'll call Mama. After a long time. Okay. Airport te baithi rehndi vich. Airport mera <Airport. laughs> beta aur bahu kab aayenge? Oh, 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 oh. Beta aur bahu kab aayenge? Let me dedicate you one song. Oh, oh, oh. Baby, don't worry. Aye. Oh. About things, but every little thing. Gonna be all right. Ooh, rise up this morning, my lips rising some. Three little birds by my door. Side. Singing sweet song. My melody is pure and good. Baby, it is a message for you. क्यों? बस मेरी जिंदगी पूरी हो। So I don't need to call your mom. वो बाजी ने मेनू एनिक ओ। मैंने माफ कर देना, मैं थोड़ी फिल्म च काम नहीं कर सकिया, लेकिन सेटा दे उत्ते सब तो ज्यादा झाड़ू कहने फेरे कहने फेरे थोड़े बिरान ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਬਾਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਨਾ ਆਪ ਕੋ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਕੇ ਰਹਿ ਬਹੁਤ। मुबारक होवे। किस चीज की? तुहाड़े बिरा दी जिंदगी दे उत्ते बायोपिक बन गई है। बायोपिक कायदे आजम जिंदाबाद। और ना के फिल्म बड़ी है, सुपर हिट भी हो गई है। आप पे बनी है? जी सर, मैं तो जाके सिनेमा दे विच लेना सिद्धियां कराइयां ने। वो अलग बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप पे, उसमें तो वो हीरो का नाम गुलाब है। ओ यस, ओदी वजह ना सर। क्या? वो कॉपीराइट्स का मामला हो गया। अच्छा। वो फिर इस वास्ते फिर मैं जाती तौर पे तो नहीं कर सकया। अच्छा। लेकिन मेरी फिल्म असल एक टापो टाप जा रही है हुजूर। वैसे आपको ऑफर हुई थी फिल्म? मैंने ऑफर हुई है, लेकिन मेरा पहले हाथ ही डिस्प्यूट शुरू हो गया। वो किस बात? वो कहंदे सन तुहाडा पुलिस मुकाबला सी फिल्म च नहीं वखाना। क्यों? सर मेरी जिंदगी का सब तो वड्डा पुलिस मुकाबला। हाँ? एक जगह ते चार डाकू ते मैं कल्ला। अच्छा। उन्होंने मेरे उते 150 बिल्लियां छड़ दित्तियां। अच्छा। मैं कल्ला, मैं फिर गया 150 बिल्लियो तुसी 150, मैं कल्ला नहीं, आ भी मेरे नाल है। उन्होंने बिल्लियां ने पिछे मुड़ के वेख्या तुहाडे विरा ने ओ छूट वटी। लेकिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन वाकया कम अज कम विच पाओ। वो कौन सा जिदे उत्ते गाना बनिया? फिर कौन सा गाना? मैं चबुरजी दे उत्ते नाका ला के खलोता। ठीक है। सर्दी उत्तों धुंद। ठीक है। दो मोटरसाइकिल आले आए ने। ठीक है। मैं फौरन चाय करके जा चौकस में। एक मोटरसाइकिल वाला पिछू आया। हाँ। मोटरसाइकिल वाला ने मेरे को मोबाइल खोलिया। मैं उन्होंने पिछू क्या लूटा रे लूटा रे लूटा रे पिस्तौल दिखा के लूटा रे। ये गाना इससे इंस्पायर हुआ था सर जी। इसके बावजूद
फिर अल्लाह साहब ने कहा कि नहीं अच्छा तुसी हीरो दा रोल करना। अच्छा वो फिर मेरी मजबूरी ये सी कि अपना डेटा का मसला हो गया। डेटा का क्या मसला? वो मेरी फास्ट एंड फ्यूरियस दी भी रिकॉर्डिंग सी ना, वो मेरा शूट चल रहा सी उथे। अच्छा अगर वो वैन डीजल साहब तुसी देखना जरा जिथे वो फायर मार दे ने, कौन फायर मार रहे हैं? कौन मार रहे हैं? वो तुम्हारा विराट निर्गोली। अच्छा वो जिसले फिल्म दी शूट शुरू होनी सी ना, वो वैन डीजल साहब दी ट्रैगर दबाने वाली उंगली साइकिल दे चैन च आ गई। अच्छा वो फिर अगे खाली बैठे ने पिछू मैं चला रहे हैं। ठीक मैं पीछे खड़ोता टेबल दे उत्ते, वो डायरेक्टर ने किया कट इट, तड़ा विराट डिग पे। इस वजह से आप नहीं कर सके। हाँ जी, उन्होंने एपिशिएट किया था। निकल मिस्टर अफसरों मेरी गोली की चलाई है तू गोली। बस वो दी वजह तो मैं फिर जाती तौर तो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी तो जिन्हें भी फिल्में लगी हैं ना, नंबर वन केड़ी फिल्म रही है? केड़ी? मैं तो अनुपूछ रहा हूँ, तुझे मैंने पूछ रहा हूँ। जी कहाँ थे आदम जिंदाबाद? बिल्कुल मुकाबले में थे। दो बार फिल्म आमने सामने लेकिन स्टोरी ने चुक दिता। अच्छा हाँ जी, हमेशा स्टोरी चुकती है या फिर प्रोड्यूसर चुकता है। सोने सोने एंगल तो शॉट उतो मायरा खान, मायरा खान साहब जेड़ी फिल्म जोन ओदे च गंजा भी हीरो होवे तो चल जाएगी। माशाल्लाह देसी ही नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया। माशाल्लाह चलो मैंने उत्थे जाना नहीं पिया, थोड़ी मुबारक पर अपना डायरेक्टर साहब नु तुसी हमेशा एंड ते बांधदे हो। हां जी, तुहानू इहनां ते इतबार नहीं? इतबार बहुत शुरू होते हो। मैंने माफ कर देना, मैं थोड़ी फिल्म च काम नहीं कर सकिया, लेकिन सेटां दे उत्ते सब तो ज्यादा झाड़ू किहने फेरिया? किहने फेरिया? थोड़े विराट। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। Can I have a selfish with you? Selfie? Oh, sorry, 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 sorry. Selfie ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। हमारे एक सेगमेंट इसमें मवाम को मौका देते हैं, इफ दे वांट टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। तो वो क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, हमें नहीं पता। कौन है जो पहले पूछना चाहेगा? लेकिन अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरा नाम नादिया मलिक है और मेरा क्वेश्चन प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों से है। आप लोगों की इस साल में दो मूवीज आ रही हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के हालात हैं उसके हिसाब से डोंट यू थिंक कि हमें इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए मोर स्टेप्स लेने चाहिए? इट इज़ ऑब्वियस कि इट्स नॉट अबाउट क्वान्टिटी, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, बट हमें इसके लिए कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि फिल्में जो हैं थोड़ी स्पेस आउट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था और हम ये फिल्म 25 दिसंबर को लाना चाहते थे पहले, वो नहीं हो पाया। छोटी ईद पर माशाल्लाह इतनी सारी फिल्म्स थी कि हम नहीं चाहते थे कि वो कोलाइड करें। तो इस ईद पर पाकिस्तानी इनिशियली सिर्फ दो ही फिल्में अनाउंस हुई थी। दो फिल्में काफ़ी होती हैं सिनेमा के लिए ईद के ऊपर, लेकिन फिर एक आध फिल्म और ज्वाइन कर गई। तो हमें लगता है कि एज इंडस्ट्री हमें एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि इंटरनेशनली होता है एक कैलेंडर आता है पूरे साल की फिल्म रिलीजेस का, हॉलीवुड का भी। उसमें आपको पता होता है किस महीने में क्या फिल्म आ रही है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। क्यों इसलिए होता है क्योंकि सारे स्टूडियोज़ आपस में उनकी एक अलायंस है, वहाँ पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी एसोसिएशंस हैं और बहुत सारे लॉज हैं जिनको फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ अभी तक नहीं है। अब कहीं जाके हमें इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक फाइनली एक्सेप्टेंस मिली है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो आने वाले दिनों में मैं ज़रूर ये चाहती हूँ कि हमारे जैसे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं हम आपस में बैठे हैं और इन चीज़ों पे काम करें, और यहाँ पे हमारी एक वीकनेस है जिस पे हमें काम करने की। ईशा इमरान है, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मायरा जी, स्पेशली क्वेश्चन आपके साथ और फहद भाई आपके साथ भी, कि आप लोगों ने आज तक इतनी सारी फिल्म्स की हैं, उनमें कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर हो जो आपको पर्सनली बहुत पसंद हो? सुपरस्टार का जो कैरेक्टर था वो बहुत फेवरेट, बहुत अच्छा था। सुपरस्टार वाला कैरेक्टर जो था वो नूरी जी। और फाज़ साहब आपका?
मुझे यार मुझे ऑनेस्टली बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने किए, लेकिन मुझे लोड वेडिंग वाला जो कैरेक्टर ना वो बड़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसके लिए बड़े लोगों की ना बड़ी अजीब अजीब मैंने बातें सुनी हुई हैं कि हीरो रोता नहीं है, हीरो ये नहीं करता है, हीरो, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हमने उन नॉर्म्स को ब्रेक करके ना जो हम दिखाना चाहते थे हमने वो दिखाया था, और जितनी रिस्पेक्ट उस कैरेक्टर से मुझे मिली मुझे नहीं लगता कि बाकी किरदारों से इतनी ज़्यादा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया वकास है और मेरा क्वेश्चन डायरेक्टर नबील से है कि जब आपने बहुत से न्यू फेसेस न्यू कास्ट किए हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया है न्यू फेस हायर करने का? जी ना बताइए ना क्या क्राइटेरिया है कास्टिंग का? क्राइटेरिया सिंपल है, ऑडिशन देना होता है आके, हम अनाउंस करते हैं जब ऑडिशन हो रहे होते हैं, सारे ऑडिशन हम लोग खुद गो थ्रू करते हैं, फिजा भी मैं भी, और जो लोग उसमें से हमें बेहतर लगते हैं फिर उनका लाइक उनको स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्ट करते हैं। जैसे कि जब हम नामालूम अफराद कर रहे थे तो कुबरा खान जो हैं, जो कि लंदन नहीं जाऊंगा मियां, उन्होंने हमारे साथ पहली मर्तबा जो उनका डेब्यू था वो उस फिल्म में ही था, तो उन्होंने भी ऑडिशन दिया था और वो उसी तरह से फिल्म में आई थी। मेरा और... भी आपसे एक सवाल है कि जिसे आप एक मर्तबा कास्ट करते हैं दूसरी मर्तबा कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है और सबसे पहले तो ईद मुबारक, और दूसरा सवाल मेरा आप सबसे है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें। यार फनी इंसिडेंट एक्चुअली कोई ऐसा नहीं था, बट हमारी जो फिल्म शूट होती है ना वो इटसेल्फ एक बड़ा फनी एक्सपीरियंस इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में शूटिंग बड़ी मुश्किल चीज़ है, आपको परमिशंस नहीं मिलती हैं, आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, सो एवरी डे इन अ वे इट्स वेरी फनी, और आपको उस सिचुएशन के साथ रहना पड़ता है। वी हैव लर्न टू एंजॉय दैट, बट हमारा हर दिन जो है ना किसी तरीके से मज़ेदार होता है, कभी कुछ नहीं हो रहा होता, कभी कुछ। इस दफ़ा जानवर बहुत ज़्यादा हमारे सेट पे थे, अब हमारे यहाँ एक्टर्स से जो है एक्टिंग कराना एक मुश्किल काम है, हमने कैसर को ट्राई किया था, अब इस दफा जो है जानवर भी थे हमारे साथ, तो मतलब के लेकिन मैंने आपको इतना तंग नहीं किया था। नहीं, कैसर डिड एक्चुअली वेरी गुड जॉब इन द फिल्म, बहुत बाजी आप पे तो हमारे वाला हाल हो गया। टेक करना आपको, बस मेरा दिल धड़क के रहा है बहुत। राज मुस्तफा आपको सिर्फ किसको साथ लेके जाएंगी? बिकॉज इवेंचुअली टेबल पे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और जनाब अलीम खान। शेख रशीद सर ये बता दीजिए फिर, आप भी चांद पर जा रहे हैं, किसी को छोड़ के आना है, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं ताबिश हाशमी, अहमद भट्ट और यासिर हुसैन। अहमद भट्ट को छोड़ के आऊंगा मैं तो। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावेद शेख साहब और नय्यर एजाज साहब। यार ये तो डिफिकल्ट है ना, नय्यर साहब को छोड़ के फिर ही साडी बारी आनी है। किसको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद अली शाह और उस्मान बुज़दार। मुराद अली शाह, सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ले गए हैं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी 2020 का आगाज करते हैं, नबील भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। जी तो सर ये बताइए इनमें से किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम औरंगजेब और डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ठीक है। सर ये बताएं आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सदफ कंवल और सज्जल अली। सज्जल अली को करेंगे। ये बताएं सर चांद पर जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको लेके जाएंगे उसको वहीं छोड़ेंगे, although you will come back. Okay. तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावेद शेख साहब और नय्यर एजाज साहब। यार ये तो डिफिकल्ट है ना, नय्यर साहब को छोड़ के फिर ही साडी बारी आनी है। चले कैसर भाई की खातिर नय्यर साहब। नय्यर एजाज साहब ठीक है वो। सर ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो VIP पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान,
और मोहतरमा शहरी रहमान फिरदौस आशिक अवान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ टाइटैनिक के ऊपर ठीक है एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं तीन लोग ऑलरेडी मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगे एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहसन रहीम आसिम रजा और आमना खान तो सेल्फी किसके साथ लेंगे सेल्फी मैं लूंगा एहसन रहीम के साथ स्माइल किन को दे रहे हैं मर गया माइल जो है मैं दूंगा आमना खान को और फ्लोर किसका आ गया है आसिम रजा का ठीक है डूबती कश्ती में सवार है दो लाइफ जैकेट है एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महवेश हयात और सज्जल अली और माहिरा खान मुश्किल सवाल है माहिरा खान को दूंगा मैं माहिरा खान को दे दिया जी फिजा जी ये बताइए बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ हुआ है कार्ड भी बंद हुआ हुआ है रात को डिनर पे जाना है किसको साथ लेके जाएंगे बिकॉज इवेंचुअली बिल उन्होंने पे करना है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और जनाब आसिफ जरदारी आसिफ जरदारी साहब आसिफ जरदारी साहब होंगे वो ये बताएं आप भी आधी रात को शदीद बोर हो रही हैं एक कॉल करनी है बोरियत खत्म करने के लिए किसको करनी है इनमें से ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी हुमायूं सईद होंगे वो ये बताइए फिर चांद पर आप भी जा रही हैं किसको छोड़ देना चाहती हैं चांद पे ऑल दो आप वापस आ जाएंगी ऑप्शंस आपके पास हैं यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट ये बताइए फिर डूबती कश्ती है आपके पास भी दो लाइफ जैकेट्स हैं किसको दे रही हैं वो लाइफ जैकेट आप ऑप्शंस आपके पास है बिलाल अब्बास और मोहसिन अब्बास आई थिंक मोहसिन नीड्स मोहसिन अब्बास बात भाई बताएं फिर आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं तीन लोग पहले से मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है तो किसको क्या कह रहे हैं आप जी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज अच्छा फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद हुमायूं सेल्फी स्माइल किसको दे रहे हैं स्माइल फैसल भाई और फ्लोर आ गया है नोमी भाई प्लीज फ्लोर आ गया अनुमान जान साहब आपका ठीक है सर ये बता दीजिए फिर आप भी चांद पर जा रहे हैं किसी को छोड़ के आना है किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं ऑप्शंस आपके पास हैं ताबिश हाशमी अहमद भट्ट और यासिर हुसैन अहमद भट्ट को छोड़ के आऊंगा मैं तो वहां पर सर बताएं फिर वैसे बनता तो नहीं है लेकिन आप भी टाइटैनिक पर जा रहे हैं मगर फिर भी तो टाइटैनिक पर जा रहे हैं दो वीआईपी पास हैं किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप जी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शीरी मजारी हाँ और मरियम औरंगजेब मैं मरियम औरंगजेब साथ चला मरियम औरंगजेब के साथ अवार्ड शो पे जा रहे हैं आप जी गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तैयार हुए हैं जबरदस्त से ठीक है चार सीटें गाड़ी में बाकी हैं कौन होंगी वो चार जिनको आप लेके जाएंगे ठीक है ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर माहिरा खान सबा कमर कुबरा खान और महवेश हयात पांच खवातीन है और सीटें चार हैं माहिरा एक महवेश दो हानिया तीन कुबरा चार सबा आ जाएगी सबा कमर जो है वो फिलहाल गाड़ी से बाहर हो गई है ठीक है सर डूबती कश्ती है दो लाइफ जैकेट्स हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं जी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर और फैसल कुरैशी फैसल भाई को लेके आ जाऊंगा मैं फैसल भाई को लेके आ गए हैं क्या बात जी मायरा जी तैयार हैं आप बताइए फिर मैडम जी बैंक अकाउंट बंद हुआ हुआ है मुश्किल है मगर फिर भी किसी वजह से वन ऑफ दोज डेज और रात को डिनर पे जाना है किसको साथ लेके जाएंगी बिकॉज इवेंचुअली दे विल पे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और जनाब अलीम खान शेख रशीद मैडम ये बताइए फिर आप जी चांद पर जा रही हैं आप भी किसको छोड़ के आना चाहती हैं ऑल दो यू विल कम बैक ऑप्शंस आपके पास जो हैं चांद पर छोड़ने के लिए वो हैं मोहिब मिर्जा और मिकाल जुल्फिकार आई नो इट दोनों को छोड़े मैं हूं ना दोनों को छोड़ना है अरे यार अच्छा मिकाल को छोड़ के आ जाऊंगी मिकाल को छोड़ दिया ही हैव अ पार्टी ऑन द मून आल्सो ठीक है आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई तीन लोग मौजूद हैं पहले से एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ ही गया है ठीक है ऑप्शंस आपके पास हैं सरमत खुसर्ट हाइसम हुसैन आसिम रजा तो सेल्फी किसके साथ सेल्फी इज विद सरमत यस
स्माइल इज टू आसिफ, यस फ्लोर इज हासिफ। ये बताइए कि गाड़ी आप चला रही हैं और आप जा रही हैं, चार सीट्स बाकी हैं, कौन होंगी वो चार जो कि आपके साथ जाएंगी गाड़ी? ऑप्शंस हैं इमान अली, रेशम, सबा कमर, महवेश हयात और सज्जल अली। ओके, सज्जल एक, रेशम दो, आई वुड टेक महवेश एंड सबा। महवेश और सबा को लेगी, ईमान को आपने छोड़ दिया है बाहर फिलहाल। ठीक है, जबरदस्त। आप मोटरसाइकिल चला रही हैं जो आपने सीखी है, किसी एक को पीछे बिठा सकती हैं? ट्रिपल सवारी तो अलाउड नहीं है। किसको पीछे बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील और ईमान कमर। ये खुद बोल रहे हैं, आपने सवाल किया, दिस इज इंटरेस्टिंग, आई लाइक दिस वन। यस, तो किसको पीछे बिठाना चाहेंगी और उनको लिफ्ट देंगी, खलील और ईमान कमर या फिर फिरदौस जमाल साहब? इट्स इजी, मोटरसाइकिल इज इट इजी? No, it is not. Oh, it is not easy. I'm sorry. For Fiza, it's easy. Any day of the week, Khaleel saab. Khaleel saab ko lift milegi. Theek hai. Zabardast. Oh yes. Chale, phir bataye kisko Titanic par leke jana chahengi? Options aapke paas jo hain, wo hain Murad Ali Shah aur Usman Buzdar. Murad Ali Shah. Sindh ke chief minister Murad Ali Shah saab le gaye hain. मायरा डूबती कश्ती है, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी होती है, किसको दे रही हैं इनमें से लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेरयार मुनव्वर, अदील हुसैन, हमजा अब्बासी, फवाद खान, उस्मान मुख्तार और आतिफ असलम। एक एक लाइफ जैकेट और छह लड़के। फवाद, फवाद खान ले गए हैं लाइफ जैकेट। शेरयार मुनव्वर, अदील हुसैन, हमजा अब्बासी, उस्मान मुख्तार, आतिफ असलम, ये तमाम वो लोग हैं जो इनके साथ काम कर चुके हुए हैं। फवाद खान एक वो शख्स है जिनके साथ इनका काम अभी आगे भी आने वाला है, तो आप खुद इस जवाब से अंदाजा लगा लें कि इन्होंने फवाद का इंतखाब क्यों किया। तुसी मेरी गड्डी लाइयो, उन्होंने घर जाके दस आओ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कायदे आज़म जिंदाबाद। पाकिस्तान के तमाम सिनेमाघरों में इस वक्त लगी हुई है, सिनेमा में जाके देखना है ये लाजिम है। अच्छी लगे बुरी लगे उसके बाद कहिएगा, मगर देखिएगा जरूर पहले किसी का सोशल मीडिया स्टेटस, कोई रिव्यू और डाउनलोड हुई हुई हरकत करने के बाद अगर आप हमें क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्रिटिसाइज करना है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे और करने चाहिए भी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।